हाँ जी नहीं हाँ यू कैन मेक इट इन एनी साइड, मेक इट ऑन इन मतलब ऑन इन एनी साइड. आई एम जस्ट टेलिंग कि दिस इज लाइक बच्चे मैंने अभी बोला है कि दिस इज एक्सॉन है ना, तो ये एक्सॉन के आसपास ये एक पूरा सेल है दैट इज कॉल्ड शेवन सेल. तो न्यूक्लियस विल बी ऑन वन साइड, इधर दिस और हियर राइट. करे आगे हो गया इतना. दिस बॉडी इज कॉल्ड साइटोन. और यहां से एक्सॉन. ठीक है, दिस इज साइटोन एंड एक्सोन. अब ये जो साइटोन एंड एक्सोन है, लेबलिंग करते हैं, साथ ही बता देती हूँ. साइटोन इज अ सेल बॉडी. इस सेल बॉडी के अंदर है क्या? सेल बॉडी हैज ऑल टाइप ऑफ द सेल बॉडी हैज ऑल टाइप ऑफ द सेल स्ट्रक्चर. ठीक है, इसके अंदर सारे सेल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जिसमें कि सेंट्रियोल इज एबसेंट. इसके अंदर सेंट्रियोल नहीं होता. सेंट्रियोल इज फॉर विच पर्पज? ठीक है, दैट इज एब्सेंट. अब इसमें जो साइटोप्लाज्म हम बनाते हैं यहाँ पे, बिकॉज वी आर मेकिंग द नर्व सेल, तो साइटोप्लाज्म का यहाँ पे नेम हम कह सकते हैं न्यूरोप्लाज्म. नर्व सेल या न्यूरो सर्जन हम जाते हैं, तो यहाँ पे इट्स टॉक वी आर टॉकिंग अबाउट द नर्व सेल, तो इट इज कॉल्ड न्यूरोप्लाज्म. दीज आर डेंड्राइट्स, निजल ग्रेन्यूल, NISSLE नहीं आता राइट. निजल्स ग्रेन्यूल, न्यूक्लियस. अब एक चीज मैंने ड्रॉ नहीं करी, यहां पे देख लो मैं क्या करने लगी हूं. ये वाली जो लेयर है, ये जो ये बीच में है, ये थोड़ी थिक होती है जिसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ. ये बीच में थिक नहीं होती बिकॉज दिस इज द नोड ऑफ रेनवियर. यहां पे ये लेयर थिक नहीं है, इट इज थिक, यहां पे थिक है. दिस इज कॉल्ड माइलिन शीथ. राइट, दिस इज शेवन सेल. हां जी बेटे, दिस इज न्यूक्लियस. आप है ले लिख सकते हो न्यूक्लियस ऑफ शेवन सेल. दिस इज नोड ऑफ रेनवियर. बनता है ठीक है. नर्व एंडिंग बताती हूँ सारे. नर्व एंडिंग, साइनेप्टिक नोक, ये जो इसके अंदर है साइटोप्लाज्म, दिस इज कॉल्ड एक्सोप्लाज्म बिकॉज एक्सॉन एक्सोप्लाज्म. डेंड्राइट्स, न्यूरोप्लाज्म, ये जो आउटर लेयर है दैट इज कॉल्ड निजल ग्रेन्यूल. न्यूक्लियस, एक्सॉन के अंदर जो साइटोप्लाज्म है दैट इज कॉल्ड एक्सोप्लाज्म. ये सेंटर पोर्शन जहां पे हमने शेवन सेल नहीं बनाया, दिस इज कॉल्ड नोड ऑफ रेनवियर. शेवन सेल, न्यूक्लियस ऑफ शेवन सेल एंड द शीट, द डबल शीट दैट इज कॉल्ड माइलिन शीट. नर्व एंडिंग एंड साइनेप्टिक नोब. साइना हाँ जी हाँ, ये वाला मतलब हाँ, जैसे ये है
अगर ये है ये वाला, हाँ जी शिवम सर, हाँ श्वान, आप प्रोनाउंसिएशन यू कैन डू, नो ये एक्चुअली में हमारी बॉडी में कैसे होते हैं कि यहाँ से जैसे यहाँ पे आया ना, ये आगे नर्व एंडिंग्स आ गई है ना, मान लो ये नर्व एंडिंग्स मैंने कोई भी बनाई जस्ट सिंपली, अगला अगला इसी के साथ यहां से ये डेंड्राइट्स जो हैं ये सारे सिग्नल्स कैरी कर लेते हैं विद द फ्लूइड प्रेजेंट हियर, यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू यहाँ से सिग्नल जो आगे ट्रांसफर हो जाते हैं, डेंड्राइट्स और फिंगर लाइक दे विल कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड पास इट टू द अदर बॉडी, पूरी बॉडी में चले जाती है, यहाँ से एक्सॉन जो है वो पूरी बॉडी का जो इन्फॉर्मेशन है उसको अवे ले जाता है, मतलब बॉडी से दूर ले जाता है। राइट डाउन लिख लो, थोड़ा सा लिख लो, ज्यादा नहीं, ज्वाइन मतलब मैसेज को, दैट मीन्स द लॉन्गेस्ट क्यों कह रहे हैं हम, क्यों इसको कह रहे हैं लॉन्गेस्ट क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन थ्रू आउट आर बॉडी, मैसेज वन बॉडी एक जगह से ट्रांसफर होकर आगे आगे आगे, देन वी आर गिविंग द रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। यू कैन राइट निजल ग्रेन्यूल, लिख लो कि है क्या निजल ग्रेन्यूल्स आर राइबोसोम कंटेनिंग स्ट्रक्चर, निजल ग्रेन्यूल्स आर राइबोसोम कंटेनिंग स्ट्रक्चर, मैं अभी इसमें इतनी डिटेल में नहीं कराऊंगी, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है ना साइटोप्लाज्म जो न्यूरोप्लाज्म हमने बनाया है वहां पे दो तरह से होती है, एक तो हमने कह दिया निजल ग्रेन्यूल है जो कि राइबोसोम स्ट्रक्चर्स है, यहाँ पे एक और वर्ड यूज करते हैं नियोफिब्रिल्स, वो मैसेज को आगे ट्रांसफर करते हैं, मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेल्प इन द ट्रांसमिशन, हेल्प इन द ट्रांसमिशन, निजल ग्रेन्यूल, हाँ डेफिनेशन नहीं, आर राइबोसोम कंटेनिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। डेंड्राइट्स लिख लो, जो मेन पार्ट्स आपकी बुक में है मैं सिर्फ वही मेन बता देती हूँ, डेंड्राइट्स दीज आर द स्मॉल ब्रांच, दीज आर स्मॉल ब्रांच प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ्स ऑफ द बॉडी, दीज आर स्मॉल ब्रांच प्रोटोप्लाज्मिक, किसको बोलते हैं हम प्रोटोप्लाज्म, क्या किसका होता है प्रोटोप्लाज्म, मींस लिविंग थिंग, लिविंग वर्ड के लिए यूज किया जाता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, दैट मींस दैट हेल्प लाइक वो आगे फर्दर कैरी कर रहे हैं, प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ ऑफ द बॉडी, प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ ऑफ द बॉडी नेचुरली, बिल्कुल ठीक है। डेंड्राइट्स में भी ऐसे ही नियोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वहां से ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। सॉरी कौन बोल रहा, ओके फिर इसके बाद लिखो एक्सॉन, एक्सॉन, एक्सॉन क्या है, इट इज अ लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर या लॉन्ग ट्यूब लिख लो एक्सॉन, इट कैरीज इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर और ट्यूब लिख लो, इट कैरीज, इसको लगा कर लेना, इट कैरीज इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, मतलब सेल बॉडी से इंपल्स को बाहर की तरफ करती है, क्योंकि यहां से आई इंफॉर्मेशन पास हुई तो एक्सॉन तक आते आते क्या हुई, इट कैरीज द इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल, हाँ मतलब इसका मेन अगर हमें कोई पूछ ले एक्सॉन लिखा हो एमसीक्यू में या कहीं पे भी, इट कैरी इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, सेल बॉडी से इंपल्स को आगे ट्रांसफर खत्म करती है बाहर की तरफ। नेक्स्ट अब इसके फंक्शन लिख लो, नर्व सेल के फाइबर लाइक स्ट्रक्चर फंक्शन लिख लीजिए, इट प्रोवाइड रिस्पॉन्स टू ऑल टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई, इट प्रोवाइड रिस्पॉन्स टू
ऑल टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई, STIMULI. STIMULI. सेकेंड लिखो, इट कंट्रोल्स ओवरऑल बॉडी एक्टिविटीज. इट कंट्रोल्स ओवरऑल बॉडी एक्टिविटीज. ठीक है, दैट्स ऑल. सिलेबस कंप्लीट.